एल्काइल so, हेल्ड्स क्या होते हैं एल्काइल हेलाइट्स एल्काइल हेल्ड्स को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं डाट इज़ हेलो हेलो एल्के सो एल्काइल हेल्ड या फिर हेलो एल्कैनस क्या होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे जिसमें जो हमारा एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने फ्लोरिन फ्लोरी नहीं मतलब आ, हेलोजन आइटम से रिप्लेस किया होता है हेलोजन आइटम को हम डिनोट करते हैं एक से और उसमें फ्लोरीन भी हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन भी हो सकता है आयोडीन भी हो सकता है तो हम एग्जांपल ले लेते ले हैं इथेन की हेल्प से समझते हैं इथेंन सो so, इथेन हमारा ये है एच सी एच एच एन एच इसमें अगर एक हाइड्रोजन आइटम को हमने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम एक्स अगर हमने यहाँ पे एक्स लगा दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे इट वुड बी लाइक एच सी एच एच सी एच एच और यहाँ पे क्या होएगा एक्स सो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं अपना दिस कंपाउंड इज़ नोन एज एल्काइल हेलाइट या फिर हेलो एल्केन्स ठीक है अब हम देख लेते हैं कि हमारे एराइल हेल्ड्स या फिर हेलोएरीन्स क्या होते हैं एराइल हेलाइट्स इन्हीं को कहते हैं हम अपना हेलो अरीन्स। हेलो एरिन्स तो एल्काइल हेल्ड्स या फिर हेलो एरिन्स क्या होते हैं जिसमें हमारी जो रिंग है एरोमेटिक रिंग उससे जुड़ा होता है हमारा हेलोजन आइटम ठीक है सो so, ये जो हमारा हेलोजन आइटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन कैसा होता है डबल बॉन्डेड कार्बन होता है एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है सो so, ये हमारा हेलोजन आइटम और ये जो कार्बन है ये कैसा है एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार सो ऑप्शन वन सेज इज़ एल्काइल हेलाइट आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन बाय एल्काइल हेलाइट सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अभी हमने देखा था एल्काइल हेलाइट यही होते हैं कि अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें फ्रॉम हेलोजन एटम ठीक है सो so, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं ऑप्शन टू से इज एराइल हेल्ड और ऑल्सो कॉल्ड हेलो एल्किन सो दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि अभी हमने देखा था एराइल uh, हेलाइट को क्या कहते हैं हम हेलो एडीन हेलो एडीन तो हम अपने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट से इज़ हेलो एरन इज अटैच टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम सो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन ये अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि अभी हमने देखा था ये एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम से अटैच होता है हेलो हेलोजन आइटम ठीक है अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर फोर पे इट सेज नन ऑफ द हेलो एल्केन्स आर फाउंड इन नेचर सो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं वो नेचर में पाए जाते हैं